हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप ट्रेसेस की साइड पे कैसे आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे। देखिए, रजिस्टर करने से पहले सबसे पहले आपको एक क्वार्टर की रिटर्न तो भरनी पड़ेगी, क्या? तो सबसे पहले मैं अभी जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ उसकी एक क्वार्टर की रिटर्न जा चुकी है। अब हम लोग कैसे ट्रेसेस की साइड पे रजिस्टर करेंगे, क्योंकि जो ट्रेसेस की साइट है tdscpc.gov.in, इस साइट का जो इस्तेमाल है, जो यूज है, वो आपका टीडीएस की रिटर्न भरने के बाद है। तो आप वो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हम लोग ना साइट पर आ चुके हैं, tdscpc.gov.in। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये लिखा हुआ रजिस्टर एज अ न्यू यूजर। इसके आगे ऑप्शन दे रखे हैं डायरेक्टर, टैक्स पेयर और पीओ। तो हम लोग डायरेक्टर पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो टीसीएस की रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है, तो वो एज अ डायरेक्टर रजिस्टर हमें उसे करना है। तो हम एज अ डायरेक्टर पर क्लिक करेंगे। पहले जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले क्या देना है, आपका 10 नंबर देना है। तो यहाँ पर मैं अभी 10 नंबर देता हूँ। क्या तो यहाँ पर आपको ना ये एक्नॉलेजमेंट है, ये रिटर्न है आपकी टीडीएस की और टीसीएस की रिटर्न। क्या और ये मैंने यहाँ पर 10 नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे आपको ना टैक्स डालना है। क्या डालना है, टैक्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ टैक्स डालने के लिए आपको W6 मैं टैक्स डाल दिया है। आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे, अगर ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब आपको ना जो भी आपने रिटर्न भरी है, क्वार्टर बन की भाई, क्वार्टर बन की एक रिटर्न भरी है हमने, तो अब यहाँ पर ना आपको डिटेल डालनी है उसकी। क्या डालना है, सबसे पहले तो यहाँ पर टोकन नंबर लेना है। क्या लेना है, टोकन नंबर। तो यहाँ पर क्योंकि क्वार्टर बन की अभी रिटर्न भरी है, तो मैंने क्या करा, क्वार्टर बन यहाँ पे आ भी चुका है। क्वार्टर बन फाइनेंशियल B6 और ये आपका फॉर्म कौन सा है, 27EQ, ये TCS का फॉर्म है आपका। तो आपको स्क्रॉल करना है और आपको ये जहाँ पर चालान की डिटेल देनी है। देखिए, अगर आपने जो TCS की रिटर्न भरी है, अगर आपने एक से ज्यादा चालान की डिटेल दी हुई है, तो आपको वो चालान देना है जिसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा डिडक्टी है, सबसे ज्यादा डिडक्टी है, मतलब सबसे ज्यादा आपने जिनका TCS कलेक्ट किया हुआ है पूरे क्वार्टर में, एक चालान के अगेंस्ट में। तो देखिए, मेरे पास जो डिटेल है ना, मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। तो मैंने ना पूरे क्वार्टर में 3 चालान पेमेंट करे हैं, 456 नंबर का, 484 नंबर का और 514 नंबर का। अब मैं देखूंगा आपको अगर मैं डिटेल बताऊं की, तो इसके हर एक अगेंस्ट में, हर एक चालान के अगेंस्ट में एक ही डिडक्टी है, तो इसमें से मैं कोई सा भी उठा सकता हूँ। तो फिलहाल में मैं एक चालान उठा लेता हूँ 456 वाला। तो मैं 456 उठा लेता हूँ, तो 456 मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मतलब सबसे पहले आपको BSR कोड देना है, और BSR कोड आपका है 00131283। ठीक है, 00131283। मैंने चालान नंबर यहाँ पर आपका BSR कोड डाल दिया। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ डिपॉजिट डालनी है। तो डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, 13 अगस्त 2021। ठीक है, तो 13 अगस्त 2021। सही है, मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया है। आपको ना ऐसे डेट वाइज नहीं लिखना है, 13 अगस्त आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, और स्टार्टिंग जो कीवर्ड्स हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, फिर आपको जो भी आपका ईयर है वो आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको चालान नंबर देना है। देखिए, चालान नंबर आपको 5 डिजिट पे देना है, और आपके पास में कितने डिजिट है, 456, 3 डिजिट है। तो आप ना स्टार्टिंग में 2 0 लगा दीजिए और 456 लिख दीजिए। क्या फिर आपको यहाँ पर अमाउंट देनी है चालान की, अमाउंट कितनी है टोटल, भाई टीडीएस की अमाउंट है 53,200 रुपये, 53,200 रुपये। ना कोई सरचार्ज है, ना सेस है, ना इंटरेस्ट है, ना अदर फीस है, ना कोई फीस है। तो यहाँ पर 53,200 रुपये आपका चालान का अमाउंट है, वो मैंने डाल दिया 53,200 रुपये। अब इसके अगेंस्ट में आपको जो भी आपका पैन नंबर है, जैसे आपने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है टीसीएस में, तो आपको वो डालना है। वो भी मैं आपको यहाँ पर पैन नंबर डालूंगा, और पैन नंबर में और अमाउंट कितना आपने कलेक्ट किया हुआ है वो आपको डालना है। तो ये आपका, ये सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है आपका कंप्यू टीडीएस का। तो उसके जरिए मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी है। तो ये देखिए, 456 के अगेंस्ट में एक ही बंदा है जिसका पैन नंबर है ये। मैं यहाँ से पैन नंबर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में कितना टीसीएस काटा हुआ है, 53,200 रुपये, है ना, 53,200 रुपये मैंने डाल दिया। आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। आर यू श्योर यू हैव अ लेस देन 3 पेन इन द CIN एंड ट्रांसफर वाउचर, यस। देखो, ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो डिटेल दे रहे हो चालान की, जिस चालान की डिटेल दे रहा हो, क्या वाकई में 3 से कम डिडक्टिंग है चालान के अगेंस्ट में, यस। क्योंकि मेरे पास में, मैंने पूरे क्वार्टर में 3 रिटर्न भरी, 3 चालान भरे हैं, और तीनों चालान के अगेंस्ट में सिर्फ सिंगल डिडक्टिंग है। एक मतलब किसी भी चालान के अगेंस्ट में एक से ज्यादा डिडक्टिंग नहीं है, जिसके अगेंस्ट में हमने टैक्स कलेक्ट किया हुआ है। या तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा, यस। जैसे मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे ना आपका आगे का प्रोसेस आ जाता है। अब यहाँ पे आपको ना पैन ऑफ द ऑथराइज पर्सन, जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका पैन का डिटेल देना है। यहाँ पे आपको ऑथराइज पर्सन का डिटेल देना है। यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाल दिया है। क्लियर, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है,
और 31 दिसंबर 1976, 31 31 दिसंबर 1976। डेजिग्नेशन क्या है भाई? पार्टनर है, पार्टनर है। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द डायरेक्टर? नो, क्योंकि पार्टनर है ना। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको वही देना है क्या भाई? कम्युनिकेशन एड्रेस वही देना है जो मैंने अभी रिटर्न भरी है ना, उसमें जो मैंने दिया हुआ है क्या? लिखा हुआ सेम एज इन द टेन मास्टर, सेम एज इन द लास्ट स्टेटमेंट। तो लास्ट स्टेटमेंट में जो मैंने एड्रेस दिया हुआ है वो मुझे कम्युनिकेशन एड्रेस एड्रेस रखना है, और जो ये भी मुझे वही रखना है लास्ट जो मेरा स्टेटमेंट है उससे जो डिटेल उसमें जो डिटेल गई हुई है वही मुझे यहाँ पर एड्रेस लेना एड्रेस रखना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद में अगर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये देने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर क्या देना है, यूजर नेम। क्या रखना चाहते हैं आप? यूजर नेम। आप वो यहाँ पर यूजर नेम रख सकते हैं और उसके बाद में उसकी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं। तो मैं जो फर्म का नाम है ना उसी के बेस पर रखता हूँ, और मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ पहले। जो भी फर्म का नाम है ना उसी के बेस पर मैं इसका यूजर नेम रखूंगा। तो आ सैक्रो है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, और जो इनके बीच का गैप है उसको ना इसको आ सैक्रो ही रहने देता हूँ। हाँ, आ सैक्रो और एट द रेट 12 क्या ये मैंने डाल दिया। मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, तो दिस यूजर आईडी अवेलेबल है। तो मैंने लिख लिया आ सैक्रो, और इसको आप एक बार ना नोट कर लीजिए कहीं पर भी, जैसे कि ना कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल में मैं अभी एक्सेल शीट पर डाल देता हूँ कि मैंने क्या यूजर नेम रखा हुआ है। अब यहाँ पे आप पासवर्ड बनाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग आ गया। मुझे ना असल में स्पेशल कैरेक्टर जो है ना वो स्पेशल कैरेक्टर आपके स्पेशल होने चाहिए जो उसमें दे रखी है, तो मैं ना अभी स्पेशल कैरेक्टर दे ही नहीं रहा हूँ उसका। अब मैंने डाल दिया यहाँ पर, मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका देखिए ये डिटेल आ जाता है। आपको कन्फर्म करना है एक बार, और एक बार डिटेल चेक कर लीजिए, अगर आपकी डिटेल कुछ गलत है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल में मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हैं आपका क्या हो जाता है, आपने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लिया है। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, क्लियर है। तो आपका ये 48 घंटे में एक्टिवेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो दिक्कत तो ये आपका पूरा प्रोसेस था किस तरीके से आप TDS की साइट पे tdscpc.gov.in की साइट पे आप जाके अपने आपको रजिस्टर करेंगे। तो मैं अपनी वीडियो यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से GST से रिलेटेड, इनकम टैक्स रिलेटेड और फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।